हाँ बेटा, आपका फिर से स्वागत। और ये वीडियो नंबर 105। तो आपने जो टॉपिक चला था, मैंने बताया था बेटा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, किसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अपनी किताब के अंदर ये सारणी बना रखी है इसकी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में एन परमाणु जो है प्लस वन से लेकर क्या बेटा प्लस पाँच तक ऑक्सीकरण प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो अपनी किताब में सारणी है, लेकिन मैं उसको अलग अलग करके मैं तुमको बताऊंगा। नंबर वन जो है वो है बेटा N2O, और N2O का नाम जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। और नाइट्रस ऑक्साइड को बेटा हास्य गैस भी बोला जाता है, हास्य गैस मतलब लाफिंग गैस, हंसाने वाली जो गैस है। और इसको सूंघने पर उन्मादित हंसी आती है, हास्य गैस, ठीक। इसमें आप क्या लिखेंगे बेटा, इसमें एन का ऑक्सीकरण अंक प्लस वन होता है, ठीक है बेटा। क्या होगा, प्लस वन होता है। यह रंगहीन उदासीन गैस है। यह रंगहीन उदासीन गैस है। इसे प्रयोगशाला में अमोनियम नाइट्रेट के तापीय अपघटन से बनाया जाता है बेटा, ठीक है। अब सबसे पहली बात है कि नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हास्य गैस भी बोलते हो, इसका ऑक्सीकरण अंक एन का ऑक्सीकरण क्या प्लस वन होता है, ठीक है बेटा। और रंगहीन और उदासीन गैस है। अब बनाने की विधि में आप लोग NH4NO3 को क्या करोगे, आप लोग गर्म करोगे, और गर्म जब करोगे तो आपकी ये गैस बनेगी N2O प्लस आप लोगों का बेटा N2O और ये N2O आप लोग बनाओगे, तो इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड बन गया। और इसको बनाने के बाद आप लोग भौतिक गुणधर्मों को ज़्यादा कोई इसकी डिटेल नहीं करनी, और डिटेल कर नहीं करने के बाद अब आप लोग इसकी क्या बनाओगे, लुईस संरचना बनाओगे। ये तो इसकी बनाने की विधि है, ये आप लोग लैंग्वेज लिखोगे, नंबर वन डालोगे N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है बेटा। और ये क्या होती है बेटा, रंगहीन होती है, साथ में उदासीन होती है, और इसको अमोनियम नाइट्रेट के तापीय अपघटन से बना सकते हैं। अगला पॉइंट इसके अंदर होता है क्या, N2O की लुईस संरचना, क्या बनानी है अपन को, N2O की लुईस संरचना, और साथ में अनुनादी संरचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो अपना N ये हो गया, N यहाँ पर, ये दूसरा N और ये बेटा O, ठीक। यहाँ पर ये द्विबंध लगा के 1 2 3 4 टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके अंदर, टोटल भैया N2O के अंदर हो गए 5+5, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ मैं, 5+5+6 बराबर कितने हो गए 16। तो आप लोगों का ये कंडीशन आई, तो 1 2 1 2 2 4 4 4 8 8 4 12, ठीक। और उसके बाद यहाँ कितने लगाओगे बेटा, 12 4 कितने हो गए बेटा 16, ठीक है। तो ये है इसकी बेटा एक संरचना, जिसको बोलोगे आप लोग लुईस संरचना। तो 4 4 2 6 6 2 8 8 4 12 12 4 16 आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। तो टोटल संयोजी कोष नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में होते हैं 5, 2 के होंगे तो 5 × 2, और O के होते हैं बेटा बाह्यतम कोष में 6 × 1 = 10+, और यहाँ पर क्या है 6, टोटल हो गया आपके 16। तो इस प्रकार से निकाला बेटा संयोजी कोष में, संयोजी कोष मतलब नाइट्रोजन की बात करें तो 1s2 2s2 और 2p3। अब यहाँ पर 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसके आप लोग क्या करोगे बेटा, ये आप इसकी संरचना बनाओगे। और संरचना जब बनाया तो आपका इस प्रकार से इसकी संरचना बनाओगे, और आप इसकी अनुनादी संरचना भी फिर इसके बाद आप लोग बना सकते हैं, ठीक है बेटा। अब अगला जो हमारा यौगिक है, और वो जो यौगिक है बेटा NO, क्या है NO, और NO का नाम क्या है, सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड, या इसका नाम लिखोगे नाइट्रोजन नंबर 2 है बेटा ये, ठीक है। नाइट्रोजन सेकेंड
ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं इसको, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाम बोल रहे हैं ये, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है बेटा, अब है इसको अपन प्रयोगशाला की बात करें तो प्रयोगशाला के सबसे पहले इसमें ऑयल लैंग्वेज लिखेंगे, इसमें इसमें एन का ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक क्या होगा बेटा, प्लस का ऑक्सीकरण अंक प्लस दो होता है, प्लस दो होता है, यह है कैसा होगा बेटा यहाँ पर, ये भी क्या होगी रंगहीन और उदासीन होगा, यह है रंगहीन उदासीन, उदासीन गैस है, गैस है, इसे प्रयोगशाला में किसे क्रिया करके बनाओगे, सोडियम नाइट्रेट नाइट्राइट, इसे प्रयोगशाला में NaNO2 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 की क्रिया द्वारा बनाया जाता है बेटा। आप बनाओगे यहाँ पर Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 2NO कर देना, दो ले लेना ये, ठीक है बेटा, 2NO प्लस NaHSO4 ठीक, और साथ में यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पे प्लस H2O बाहर निकाल देना, तो ये समीकरण को आप लोग संतुलित कर ही लोगे। ठीक, तो ये है बेटा आप लोगों का फेरस सल्फेट के साथ क्रिया, तो ये तीन अणु ले लेना और ये आपके दो अणु ले लेना, दो लोगे तो काम आपका पूरा हो गया 6, और इसको संतुलित करोगे तो 3 2 6, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करो तो आप लोग इसको देख लेना, तो ये हो गया बेटा आप लोगों को बनाने की विधि, और इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोलोगे, इसमें एन का ऑक्सीकरण क्या होता है प्लस का दो, यह रंगहीन उदासीन गैस है, इसे प्रयोगशाला में NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्राइड प्लस फेरस सल्फेट प्लस H2SO4 की क्रिया के द्वारा बनाया जाता है, और टेम्परेचर यहाँ लगभग होने वाला जो है ये आप लोग 250 डिग्री सेल्सियस में इसकी क्रिया करा सकते हैं। अगला इसकी वही कौन सी संरचना लिखेंगे, लुईस संरचना लिखेंगे इसकी, इसके अंदर ना होगा NO की संरचना या लुईस संरचना बोलो, कितने हैं बेटा इसके संयोजी कोषों में, इनके इसके इसके संयोजी संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बेटा, 5 और 6 11 11 होती है, और ये भी क्या बेटा एक विषम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो यहाँ पर ये N ये द्विबंध ऑक्सीजन 1 2 3 4 और यहाँ पर ये एक, तो 4 4 8 और 3 11 इस प्रकार की ये संरचना बनाओगे आप लोग। ठीक है बेटा, तो ये है बेटा किसकी NO की संरचना। अगला जो टॉपिक होगा बेटा वो आप होगा N2O3 या NO2 ले लोगे, NO2 नेक्स्ट NO2, और NO2 की अपन बात करें तो NO2 का नाम क्या है बेटा, NO2 का नाम है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कौन सा ऑक्साइड हो गया, प्लस 4 है कि नहीं है बच्ची है वे, तो यहाँ पर x मान होगा 2 2 4, तो ये आपका नाइट्रोजन या N2O3 ले लेते हैं पहले, थोड़ो N2O3 क्योंकि 3 के हिसाब से बदलेंगे, नाइट तो क्या नाम हो गया इसका, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड इसका नाम होगा। ठीक, अब ऐसी बात करो तो ये बेटा अम्लीय, अम्लीय प्रकृति की होती है पहली बार, ठीक, और यहाँ पर ये अम्लीय प्रकृति के साथ साथ यहाँ पर अपन बात करें नीला ठोस है, नीले रंग का क्या होता है बेटा, नीला ठोस पदार्थ है, कैसा है नीला ठोस पदार्थ, अम्लीय प्रकृति। अब इसमें N का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, लिख दोगे आप इसमें N का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा बेटा, तो 3 2 6 6 में 2 का भाग दोगे प्लस का आ जाएगा 3 होता है, होता है, इसे प्रयोगशाला में
इसे प्रयोगशाला में कौन से किससे क्रिया करके बनाएंगे बेटा? यहाँ पर प्रयोगशाला में इसकी NO 2NO प्लस N2O4 दोनों की क्रिया कराओगे, टेम्परेचर होगी 673 केल्विन, और जब क्रिया कराओगे तो आपका बनेगा बेटा 2N2O3। ठीक, तो यहाँ पर 2 2 4 ऑक्सीजन नाइट्रोजन और 2 और 4 6, तो इसका नाम है नाइट्रोजन टेट्रा ट्राई ऑक्साइड। ठीक, ये बनाने की विधि है, अम्लीय नीला है, एन का ऑक्सीकरण प्लस 3 है, और फिर इसकी क्या करेंगे बेटा, संरचना बनाएंगे, और संरचना जो बनाओगे वो आपको लिखनी है। तो ये संरचना है बेटा कौन सी, ये N2O3 की संरचना। तो N लो, दूसरा N लो, एक ऑक्सीजन, दूसरी ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये तीसरी ऑक्सीजन जमा दी। ठीक, यहाँ पर आप लोगों का कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक ये द्विबंध के साथ लगा सकते हैं, फिर यहाँ पर अपने क्या किया, द्विबंध के साथ लगाई, 1 2 3 4 टोटल हो गए 4 और 4 8 8 8 2 10 10 2 12 12 12 और 6 12 6 18। देखो कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस 6 3 18, टोटल हो गया आपके 28। तो गिनो, काउंटिंग करो, 4 और 4 8 8 2 10 10 2 12 12 2 12 2 14 14 2 14 2 16 16 और 6 और 16 6 कितने हो गए बेटा आपके, 22, और आपके 6 बज के 1 2 3 4 5 और ये आप लोगों के 6। अब देखा जाए तो यहाँ ऋणावेश आता है, यहाँ भी क्या आता है बेटा ऋणावेश, तो यहाँ कभी तो प्लस। तो ये संरचना अगर बनाना चाहो तो अनुवादित संरचना में ये कंडीशन लगाओगे, और ये है बेटा N2O3 की संरचना, N2O3 की संरचना। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा बेटा आप लोगों का NO2, क्या NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नंबर अगला, और दोगे पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा NO2। ठीक, क्या नाम है, नाइट्रोजन अलग अलग बनाने आपको, और अलग अलग लेके अलग अलग आपको इनकी संरचना बनानी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्साइड, इसमें N का ऑक्सीकरण अंक लिखो, N का ऑक्सीकरण अंक प्लस चार होता है। इसे प्रयोगशाला में लेड नाइट्रेट को गर्म करके बनाया जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर पहले PbNO3 का वोल्ट वाइज 2 ले लेना, इसको गर्म करोगे तो आपका 2NO2 प्लस PbO, ये 2PbO प्लस O2 प्लस करके O2 बना देना, तो ये है बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की संरचना, ये संरचना में क्या, N द्विबंध O और सिंगल बंद O, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर एक बिंदी लगा होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन टोटल है बेटा NO2 के अंदर है बेटा 6 2 12 और 5 17, कितने 17, तो 2 2 4 4 8 8 1 9 9 1 10, और उसके बाद आप लोग एक इलेक्ट्रॉन और, 1 2 3 4 5 6 6 6 2 8 8 1 9 9 4 13 13 और 4 17, यहाँ पर ऋण धन होता है और यहाँ पर क्या होता है ऋण, तो एक संरचना तो ये बनी अनुनादी संरचना में, दूसरी बना सकते हैं, दूसरी क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन द्विबंध N, ये सिंगल बंद, ये ऋणावेश 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये एक बिंदी लगा के प्लस और 1 2 3 4, तो ये आप लोगों की NO2 की संरचना हो गई, जिसको आप लोग अनुनादी संरचना के हिसाब से भी बताओ, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में आपको दिया हुआ है NO2 और N2O5 की अनुनादी संरचना बनाइए। ठीक, तो ये था बेटा आप लोगों का सिस्टम। ठीक, अगला पॉइंट डालोगे आप लोग N2O4 जो 4 नंबर का ही है, और 4 नंबर का नाम क्या है, N2O4 का नाम डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, N2O4। एक सवाल है,
और सवाल में ये है, सवाल क्या है सबसे पहले इसको तो बाद में बात करेंगे, यहाँ पे देखो इस में एन का ऑक्सीकरण अंक प्लस चार होता है, चार होता है बेटा, ठीक है होता है, इसे प्रयोगशाला में साला में NO2 को ठंडा करके बनाया जाता है बेटा, ठंडा करके बनाया जाता है, इसकी प्रकृति भी कैसी होती है, अम्लीय होती है, ठीक बन के बनाया जाता है। अब क्या लिखोगे इसमें, NO2 को यहाँ ठंडा और यहाँ क्या कर दिया बेटा गर्म, ठंडा करोगे तो आपको बनाओगे N2O4 बनाओगे, बन गया। अब N2O4 बनने के बाद यहाँ पर इसकी प्रकृति के बारे में अपन लिख लेंगे कि भाई N2O4 की जो प्रकृति है वो कैसी होती है बेटा, रंगहीन है, ठीक। तो उसके बाद संरचना में जमाओगे आप एक N, दूसरा N, ऑक्सीजन, यहाँ द्विबंध, यहाँ द्विबंध, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना टोटल आ गया बेटा, 5 और 5, 10 और 56, 30 टोटल हो गया आप लोगों के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 40, ठीक। तो यहाँ पर 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 4, 16, 16 2, 18, 18 4 22, 22 4 6, 24 4 30 और फिर उसके बाद आप लोगों का टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करो तो ये इस प्रकार से व्यवस्थित हुए। अब सिंगल की बात और छः छः करके लगा देना या द्विबंध करके लगा दो, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे आप लोग बना सकते हो इस संरचना को, ठीक। तो ये है बेटा आप लोगों की N2O, टोटल 40 इलेक्ट्रॉन लेना। अगला जो टॉपिक है, अगला जो यौगिक सवाल ये है कि NO2 का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है क्यों, यहाँ लिखोगे सवाल हो गया तो आप उत्तर लिखोगे इसका, NO2 एक विषम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, यह द्विलक के रूप में, द्विलक का मतलब N2O4, समझ भाई, इसके दो अणु, एक दुगुना करो इसको तो N2 हो गया और O4 के रूप में स्थाई होता है। इसमें इसका ऑक्सीकरण अंक सॉरी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 दुआ कितने हो गए बेटा, टोटल 34 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, और 34 इलेक्ट्रॉन होने पर ये कैसा होता है, स्थाई होगा। और अपना जो लास्ट है और लास्ट जो टॉपिक है बेटा वो है N2O5, कौन N2O5 जिसका नाम है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5, फिर ऑक्सीकरण अंक क्या आएगा प्लस का 5, ठीक। प्रयोगशाला में किससे बनाओगे, HNO3 की क्रिया करानी आप लोगों को P4O10 के साथ क्रिया कराओगे तो आपका बनेगा बेटा N2O5 बनाना, N2O5 बनाओगे, H3PO4 भी बनाओगे इसके अंदर, PO3 प्लस HPO3, और यहाँ पर ये चार अणु लेना, ये चार P के हिसाब से, और यहाँ पर H ले लेना तो चार H कम आए तो चार HNO3, और ये समीकरण संतुलित आप लोग कर ही लोगे। करने के बाद यहाँ पर N2O5 ये भी रंगीन और अम्लीय होगा, संरचना बनाएंगे तो N एक ऑक्सीजन इस प्रकार से, ये दूसरी ऑक्सीजन, ये तीसरी ऑक्सीजन, ये चौथी ऑक्सीजन और ये पांचवी ऑक्सीजन, और पहले जो सिस्टम को बनाए तो होगा
एक द्विबंद के साथ लगा देना, ये द्विबंद के एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। जब सिंगल बंद के साथ ऑक्सीजन होती है तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन छः लगाने होते हैं, जब द्विबंद के साथ होती है तो इलेक्ट्रॉन आपको कितने लगाने होते हैं बेटा, चार लगाने होते हैं। तो ये इसकी संरचना बनाने की विधि, नाइट्रिक अम्ल और फास्फोरस डेका ऑक्साइड के साथ क्रिया कराओगे तो N2O5 का निर्माण होगा और N2O5 का नाम होगा नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड या नाइट्रोजन 4-5 ऑक्साइड के नाम से ही जाना जाएगा। तो ये था बेटा सिस्टम आप लोगों का। ठीक, अगला जो टॉपिक होने वाला है वो है बेटा फास्फोरस। क्या? फास्फोरस। और फास्फोरस के बारे में तो आप जानते हो बेटा, मैंने जब इंट्रोडक्शन हुआ था 15 वर्ग का, तो भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में फास्फोरस पाया जाता था। इसके कुछ ऐस इसमें आप लोग बोल सकते हैं एपेटाइट के रूप में, जैसे फ्लोरोएपेटाइट, हाइड्रोक्सीएपेटाइट, क्लोरोएपेटाइट के रूप में है। तो यहाँ पर ये हो फास्फोराइट, और फास्फोराइट का जो सूत्र होता है बेटा CA3PO4 का होल ट्वाइस नामक अयस्क के रूप में भी पाया जाता है, फास्फोराइट, फास्फोराइट के रूप में। तो सबसे अधिक मात्रा में 15 वर्ग के तत्वों में भूपर पट्टी पर जो मात्रा पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है? फास्फोरस। फास्फोरस क्या है, इसके अपर रूप क्या है, वो आप लोगों को बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा आप लोगों को। धन्यवाद। हाँ बेटा एक बार सुनो वापस, आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, एक तो NO2 और एक आप लोग N2O5 की अनुनादी संरचना बना लेना, ठीक है बेटा, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। धन्यवाद।